भामस का सरकार जगाओ अभियान। आपको बता दें 25 जुलाई 2020 भारतीय मजदूर संघ भीलवाड़ा द्वारा सरकार जगाओ अभियान के अंतर्गत राजस्थान विद्युत प्रसारण श्रमिक संघ, राजस्थान विद्युत वितरण श्रमिक संघ, राजस्थान परिवहन निगम, संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम प्रदर्शन कर मांग पत्र का ज्ञापन दिया गया। आज राजस्थान विद्युत प्रसारण श्रमिक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में हम प्रमुख रूप से 2004 के पश्चात नियुक्त जो भी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन और चिकित्सा पूर्ण भरण का लाभ देने की मांग है। और दूसरा, हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त जो विभागीय कर्मचारी है जो सीधी भर्ती से, वो उनका कोटा अभी तक फिक्स नहीं करा गवर्नमेंट ने, तो वो किया जावे। एक विद्युत भत्ता जो अभी 150 रुपये मिल रहा है उसको बढ़ाकर 1000 रुपये करने की मांग रखी है। और विद्युत के अंदर जो निजीकरण चल रहा है उस निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, ठेका पत्ता कम्प्लीटली बंद होनी चाहिए। क्या नाम आपका? शैलेंद्र सिंह राठौड़, जिला मंत्री भारतीय मजदूर। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा राजस्थान रोडवेज में जो कर्मचारियों की समस्याएं व्याप्त है उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं, श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य चार मांगे हैं, जिसमें हम यात्री दोष प्रणाली लागू करने के लिए, निगम कर्मचारियों को सातवां वेतन मान अभी तक नहीं मिला है इसको लागू करने के लिए, सेवानिवृत्त और मृतक कर्मचारियों के जो बकाया लाभ है जो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुए ये सब उनको दिलवाने के लिए, और निगम के सभी कैडर में रिक्त पदों पर भर्ती करवाने के लिए चार प्रमुख मांगों का हम ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम पंकज व्यास, सचिव राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन।